मैं डॉक्टर संजीव चावला, ENT कंसल्टेंट, कैलाश हॉस्पिटल, सेक्टर 27, नोएडा। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, साइंस क्या हो सकते हैं। तो आज इस सीरीज के सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे पेशेंट की OPD में स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन क्या होती है नॉर्मली जो हम लोग करते हैं, प्लस मैनेजमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो OPD में स्क्रीनिंग में बेसिकली कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं, जैसे स्टोक बैंग है, बर्लिन्स क्वेश्चनियर है। तो इन क्वेश्चनियर्स से उसकी सिवियरिटी का एक बेसिकली आइडिया लगता है कि पेशेंट की स्नोरिंग, या जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बीच में भी एक स्टेज होती है जिसको UARS कहते हैं, अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसकी भी फिर ग्रेडिंग होती है, तो किस स्टेज पर है, तो एक आइडिया लगता है उससे। बेसिकली मेन उसमें होती है फिर इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस भी ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं। होती सब लेवल की हैं एक एक करके इन्वेस्टिगेशंस, और शुरुआत नाक से ही होती है। तो नॉस्टल्स में हमारी 7 बोन्स होती हैं, तो उसको देखने के लिए फाइबर ऑप्टिक नेजल एंडोस्कोपी होती है कि कहीं पर अगर नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो, बोन से रिलेटेड हो, नाक में कोई पॉलिप्स हो जिसको मांस बड़ा हुआ होना कहते हैं, या नाक के अंदर टर्बिनेट्स में ही कोई चेंजेस हो, फूले हुए हों जिसे टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी कहते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ें हो वो फाइबर ऑप्टिक नेजल एंडोस्कोपी में पता चलती हैं। ये पहला लेवल है नाक का जहाँ से हमारा एयर पैसेज शुरू होता है। और अगर इस लेवल पे कहीं पर भी कोई सस्पेक्टेड चीज़ें हों या ऑब्स्ट्रक्शन, सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन उसमें नज़र आए, तो इसी से रिलेटेड फिर एक और इन्वेस्टिगेशन होती है, वो साइनसिस के पर्पज़ के लिए होती है। क्योंकि ये साइनसिस क्या है, हमारे फेस में कैविटीज़ होती हैं, टोटल 8 साइनसिस होते हैं जो हमारे इन 7 बोन से कनेक्टेड होते हैं। अब चूंकि अगर बोन्स में कोई इश्यूज आएंगे, कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स होंगी, तो फिर उसमें साइनसिस की भी इवैल्यूएशन साथ में होती है। और कई बार इसी इन्वेस्टिगेशन में एक पार्ट एलर्जी को रूल आउट करने के लिए भी होता है, क्योंकि एलर्जी भी हमारे नाक को, साइनसिस को, प्लस स्नोरिंग के स्टेटस को अफेक्ट करती है। तो ये तो स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन के रिगार्डिंग है। फिर इसके पीछे 4 लेवल्स थे जो मैंने पिछली बार बताए थे आपको, वोट, VOTE, मतलब वीलम, ओरोफारिंक्स, टंग और एपिग्लॉटिस के लेवल पे। तो उसके लिए फिर कुछ अलग इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें OPD की स्क्रीनिंग में एक प्रोसीजर होता है जो हम OPD में करते हैं, उसमें कोई एनेस्थीसिया वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको कहते हैं मुलर्स मैन्यूवर। तो उस मैन्यूवर से हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि ऑब्स्ट्रक्शन वीलम के लेवल पे या टंग के लेवल पे या टॉन्सिल के लेवल पे कहाँ पर एग्जैक्टली है और कितनी है। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन की भी कई टाइप्स हैं, उसकी सिवियरिटी में भी ग्रेडिंग होती है कि किस कितना सिवियर है। फिर उसमें कैटेगरीज होती हैं, जैसे वो AP लेवल है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन है, या लेटरल लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन है, या कॉन्सेंट्रिक लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब दोनों मिक्स हैं। तो मुलर्स मैन्यूवर से हमें काफ़ी हद तक उसका एक आइडिया OPD में भी लग जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन एग्जैक्टली आपकी डायनेमिक लेवल पर कहाँ पर है और कितनी है। और फिर उसी चीज़ के लिए, अब जैसे मुलर्स मैन्यूवर में कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हुई कि यहाँ पर ये सस्पेक्टेड है, तो उसको कंफर्म करने की फिर इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो कंफर्म करने के लिए मेनली जो प्रोसीजर हैं इसमें, एक तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाके किया जाता है, वो डे केयर प्रोसीजर है एक तरह का, उसमें एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे सुबह ऑपरेशन, सुबह आपका ये प्रोसीजर हुआ तो उसके बाद दोपहर को, शाम को छुट्टी कर देते हैं। तो उसको कहते हैं डाइस, तो ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी, मतलब उसमें एक स्लीप का स्टेटस पेशेंट को इंड्यूस करते हैं। जैसे जब पेशेंट स्लीप की स्टेटस में है उस टाइम पे फाइबर ऑप्टिक नेजल एंडोस्कोपी से ये इवैल्यूएट किया जाता है, इसी मुलर्स मैन्यूवर की फाइंडिंग्स को उनको कंफर्म किया जाता है कि एग्जैक्टली पेशेंट जब स्लीप में है, स्लीप के भी कई फेजेस होते हैं, जैसे उसमें NREM स्लीप होती है, REM स्लीप होती है, तो मेन उसके अंदर में देखा जाता है कि एग्जैक्टली ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर कितनी आ रही है, तो ये ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी होती है। और इसके बेसिस पे फिर डिसीजन लिया जाता है कि उसमें कितना सीवियर है और सर्जरी से उसमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या होगा तो किस हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और इसी डाइस का, ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी का, जो हमने अभी बताया कि वो डे केयर में की जाती है, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी होता है। ऑल्टरनेटिव भी नहीं कहना चाहिए, इसको सब्सटीट्यूट कहना चाहिए कि एक माइनर सब्सटीट्यूट, कि प्रेफरेबली तो डाइस ही हम लोग प्रेफर करते हैं, बट
अगर कोई पेशेंट कंफर्टेबल ना हो कि हमें कुछ ओपीडी में ही करवाना, जिससे कुछ आइडिया लग जाए, तो उसके लिए फिर एक डायनेमिक एमआरआई होती है, उसको स्लीप एमआरआई भी कहते हैं। ये नॉर्मल एमआरआई की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है उसके अंदर में। उसमें एनेस्थेटिस्ट साथ में होंगे, थोड़ा सा स्लीप इंड्यूस करेंगे, वहीं उसी सेटअप में हो जाती है जहाँ पर एमआरआई की मशीन, जैसे नॉर्मल एमआरआई की मशीनें होती हैं हर हॉस्पिटल में, तो उसको स्लीप एमआरआई कहते हैं। तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक आइडिया लगता है, बट इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, डाइस में और स्लीप एमआरआई में। जो अगर मेन फ़र्क की बात की जाए, तो इससे हमें स्लीप की स्टेज का पता नहीं चलता कि पेशेंट स्लीप के किस फेज़ में है जब ये एमआरआई हुआ, तो इसलिए डाइस नॉर्मली हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हर एक के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट की चॉइसेस के हिसाब से ये डिसीजन लिया जाता है उसमें। तो ये रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली, जो स्लीप एमआरआई है। तो ये तो हमारा इन्वेस्टिगेशंस हैं लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, कि आपकी स्टैटिक लेवल पर कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या डायनेमिक लेवल पर कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। फिर इन चीज़ों में अगर पेशेंट की ऑलरेडी स्क्रीनिंग के लेवल पर ये डिसाइड हो कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया किस सीवियर स्टेज में है या इवन मॉडरेट स्टेज में है, तो उसमें सबसे पहले हमें एक स्लीप स्टडी करवानी होती है। तो स्लीप स्टडी का मतलब है पॉलीसोमनोग्राफी। ये ओवरनाइट इन्वेस्टिगेशन है, तो ये रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्योंकि इसकी भी कई टाइप्स हैं पॉलीसोमनोग्राफी की या स्लीप स्टडी की, जैसे इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो ये किस टाइप की करवानी चाहिए और किस टाइप के क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसका बेसिक अगर मैं आपको आइडिया दूँ, तो पॉलीसोमनोग्राफी में जो टाइप 1 है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स इंक्लूडेड होते हैं। उसमें 7 से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, जैसे आपका EEG, EOG, ENG, ECG, ये बेसिकली मेडिकल टर्म्स हैं, या लेग मूवमेंट, चेस्ट मूवमेंट, एब्डोमिनल मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में बेसिकली होती हैं। और इन पैरामीटर्स के साथ में अब इसका एक और बेनिफिट भी है कि ये सुपरवाइज होती है जो टाइप 1 है। तो सुपरवाइज का मतलब ये कि एक टेक्नीशियन आपके साथ में हमेशा रहेगा, ओवरनाइट पूरी रात रहेगा, जब भी ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही होगी इसकी। तो इसमें हम साथ में सीपैप टाइट्रेशन भी कर सकते हैं। सीपैप के बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट उसकी एक टाइट्रेशन होती है। सीपैप एक तरह की मशीन है जिसको कहते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो अगर सीवियर या मॉडरेट OSA हो, तो नॉर्मली उसमें फर्स्ट चॉइस तो यही होती है, फर्स्ट ट्रीटमेंट का ऑप्शन यही होता है। तो वो सीपैप मशीन का जो टाइट्रेशन है कि वो किस वॉल्यूम पे आपको रिलीव करेगी आपके सिम्टम्स से, तो वो हमें सीपैप टाइट्रेशन से पता चलता है। लेकिन सीपैप टाइट्रेशन सिर्फ टाइप 1 पॉलीसोमनोग्राफी में ही होता है। अब जो टाइप 2 है वो अनअटेंडेड होती है, मतलब उसमें होम की सेटिंग में होती है लेकिन सुपरवाइज नहीं होती, तो उसमें भी सीपैप टाइट्रेशन नहीं हो सकता। इसी तरीके से टाइप सी है, तो टाइप सी, टाइप 4, टाइप 3 और टाइप 4 जो है इसकी पॉलीसोमनोग्राफी की टाइप, ये बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए है। क्योंकि एक तो इसमें सारे पैरामीटर्स नहीं हैं, तो इसमें सिर्फ टाइप 3 में 4 पैरामीटर्स होते हैं, टाइप 4 में 2 ही पैरामीटर्स होते हैं, तो सारे पैरामीटर्स भी नहीं होते इसके अंदर इंक्लूडेड, प्लस अनअटेंडेड होती है। तो एक तरह से ये स्क्रीनिंग के लिए होती है। तो स्क्रीनिंग किसमें, मेनली किड्स के लिए। तो जब हम ऐसे किड्स के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे पॉलीसोमनोग्राफी स्क्रीनिंग किसमें होनी चाहिए। बट एडल्ट्स में नॉर्मली अगर फर्स्ट चॉइस हो, तो वो टाइप 1 ही होनी चाहिए। उसी से हमें वो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है उसकी, और उसी से ही आइडिया लगेगा कि आगे क्या करें। अब इसमें एक और चीज़ होती है पॉलीसोमनोग्राफी में, कि हमने सीपैप टाइट्रेशन भी कर लिया। अब कई लोगों को ये लगता है कि सीपैप टाइट्रेशन हो गया, सीपैप मशीन लग गई, तो हमारी प्रॉब्लम का हल निकल गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सीपैप, पहले तो आप ये फ़र्क समझिए, इसमें दो तरह की मशीन आती है, एक होती है सीपैप और बाईपैप। सीपैप का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसी तरीके से एक होती है बाईपैप, मतलब बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये दो तरह की मेन मशीन है। अब सीपैप में क्या होता है कि इंस्पिरेशन में, मतलब सांस लेते हुए, और एक्सपिरेशन में, मतलब सांस छोड़ते हुए, आपका प्रेशर लेवल सेम रहेगा, इसलिए उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। कॉन्टिन्यूस वो सेम रहेगा प्रेशर का लेवल। और जो बाईपैप है उसमें ऐसा नहीं होता,
उसमें दो लेवल होते हैं, उसमें इंस्पिरेशन का एयर प्रेशर अलग होता है, एक्सपिरेशन का एयर प्रेशर डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसको बाइपैप कहते हैं। तो जो प्रेफरेबली जो फर्स्ट चॉइस होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएसए में, तो वो सीपैप मशीन्स ही होती हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ी चीपर भी होती हैं, फर्स्ट चॉइस भी होती हैं, बट अगर प्रेशर लेवल्स काफ़ी हाई हों, जैसे सपोज 15 सेंटीमीटर वाटर से ये ज़्यादा प्रेशर उसमें आए कि इस लेवल पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होगा, तो पेशेंट को सीपैप भी अनकंफर्टेबल लगेगा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में कई बार हम लोग बाईपैप के लिए जाते हैं, तो बाईपैप से ही उसके फिर सिम्टम्स रिलीव होंगे। बट मोटी मोटी बात समझने वाली ये है कि सीपैप ही फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस होती है ऐसी सिचुएशन में। तो ये तो फ़र्क है सीपैप और बाईपैप का। तो ये आपकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम लोग नॉर्मली करते हैं या करवाते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो उसको पहले देख लेते हैं। अब एक व्हाट इज़ द बेस्ट स्क्रीनिंग फॉर स्लीप एपनिया। देखिए स्लीप एपनिया का वही मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्क्रीनिंग जो है आपकी वो पॉलीसोमनोग्राफी स्लीप स्टडी है, वो तो है ही है। लेकिन सिर्फ स्लीप स्टडी प्लस सीपैप टाइट्रेशन या आपने सीपैप मशीन लगवा ली तो उससे भी हल नहीं निकलता, बहुत बार हल नहीं निकलता। उसकी वजह ये होती है कि जैसे पेशेंट में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन स्टैटिक लेवल पर हो, क्योंकि देखो एयर प्रेशर तो उसी को वाइड करेगा ना जो डायनेमिक लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे विलम के लेवल पे या पैलेट के लेवल पे, टंग के लेवल पे, टॉन्सिल के लेवल पे। लेकिन अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन नाक के अंदर है, बोन से रिलेटेड है, नाक में पॉलिप्स हैं या एलर्जी से रिलेटेड इश्यूज हैं या साइनसिस से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो एयर प्रेशर आप कितना भी बढ़ा दें तो पेशेंट की कॉम्प्लायंस कभी भी उतनी नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में आपका ये स्लीप स्टडी प्लस पॉलीसोमनोग्राफी ये तो है ही हैं, साथ में इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है ये देखने के लिए कि स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पर और कितनी है। तो अगर आप उस स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करें, वो मेडिकली हो या सर्जिकली हो, तो उससे सीपैप मशीन आपको कहीं ज़्यादा बेनिफिट देगी रादर देन विद स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें इवैल्यूएशन भी ज़रूरी हैं, तो सीपैप मशीन का कॉम्प्लायंस भी आपका बेटर होगा। फिर यार पूछ रहे हैं इज वैसे समहाउ रिलेटेड टू वेट गेन और ओबेसिटी फैक्टर। यस डेफिनेटली दिस इज रिलेटेड टू वेट गेन एंड ओबेसिटी फैक्टर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि इसमें एक इंडेक्स होता है जिसको BMI इंडेक्स कहते हैं। तो आपका वेट गेन से रिलेटेड है ही है, आपकी हाइट के हिसाब से कितना वेट है आपका, तो वो डिसाइड करता है कि आपका BMI फैक्टर क्या है। और ये दोनों चीज़ें हैं, OSA इज aggravated और caused by वेट गेन, और OSA itself can cause वेट गेन। ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब मेडिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि OSA में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर ठीक ना करवाएं तो। डू चिल्ड्रन आउट ग्रो स्लीप एपनिया। देखिए मैम ये डिपेंड करता है कि आपकी स्लीप एपनिया की ग्रेडिंग क्या है, कितना सीवियर है एपनिया, तो ये उसी पे डिपेंड करेगा। और अदर देन उसको इग्नोर करने की बजाय अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो उसमें तो ऑलरेडी पहले ही कॉम्प्लिकेशंस दिखनी शुरू हो जाएंगे। डस्ट स्कोरिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ये अभी मेडिकल प्रॉब्लम के रेफरेंस में भी इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो ये आगे आएगा। बट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, ये भी उसी से रिलेटेड आ गया पॉइंट आपका। इज देयर एनी स्लीप एपनिया ट्रीटमेंट विदाउट सीपैप। देखिए विदाउट सीपैप आपकी ट्रीटमेंट वही हो सकती है कि अगर कोई स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, माइल्ड आपकी ग्रेडिंग हो, तो ऐसी सिचुएशन में सीपैप की भी जरूरत नहीं होती। तो अगर आपने ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दिया तो आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। व्हाट अदर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, ट्रीटमेंट तो एंड में डिस्कस करेंगे, उस पर तो हम अभी आए नहीं। हाउ हेल्पफुल सीपैप इज। सीपैप काफ़ी हेल्पफुल है, खास करके मॉडरेट और सीवियर ग्रेडिंग में आपका सीपैप तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है लेकिन ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है, तो इसके अलावा भी बाकी ऑप्शंस हैं जो पैरेलल चलने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अगर इन्वेस्टिगेशन में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आती है तो ट्रीट होना चाहिए, तो उससे सीपैप मशीन भी उसका भी कॉम्प्लायंस बेटर होगा। वट इफ़ आई कांट फॉल एस्लीप ड्यूरिंग ए स्लीप स्टडी। ये भी कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अब हम हॉस्पिटल की सेटिंग में सो नहीं पाएंगे, इतने सारे मशीन के साथ में केबल्स लगी होंगी, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी सिचुएशन में घर की सेटिंग में भी किया जा सकता है या उसकी स्क्रीनिंग भी की जा सकती है, बट स्क्रीनिंग फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए।
स्क्रीनिंग तो ये है कि चलो कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ हमें आइडिया लगा कि कितनी सैचुरेशन डिप करेगी, एयरफ्लो कितना जाएगा, तो उसे डेफिनेटली ना करने से तो बेटर ही है. लेकिन Type 1 पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी, इट शुड बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इफ पॉसिबल. यस, डस स्नोरिंग और वेस्टिव प्रॉब्लम लीड टू वेट गेन? डेफिनेटली, ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. ये पॉइंट भी अभी डिस्कस करेंगे इसका. तो होपफुली इन्वेस्टिगेशन से आपको समझ आ गई होंगी. वट आर दी अदर सिम्टम्स इन किड्स ऑफ स्लीप एपनिया अपार्ट फ्रॉम स्नोरिंग? देखिए, स्लीप एपनिया के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें स्नोरिंग के अलावा, स्नोरिंग है तो माउथ ब्रीदिंग तो होगी होगी. तो माउथ ब्रीदिंग, स्नोरिंग, ड्रूलिंग, ड्रूलिंग मतलब लार आना फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ, यहाँ से लार आनी शुरू हो जाती है, प्लस रिकरिंग कोल्ड, और रिकरिंग कोल्ड होगा तो साथ में रिकरिंग कॉफ भी रहेगा. ये डिपेंड करता है कितना लंबा प्रॉब्लम चल रही है. और कई बार पेशेंट्स में, बच्चों में ईयर से रिलेटेड इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं, भले वो ईयर ब्लॉकेज हो, कम सुनना हो, या कानों में कई बार रिंगिंग सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, या प्रॉब्लम बढ़ जाए तो कान से डिस्चार्ज भी आना शुरू हो जाता है. स्लीप एपनिया और स्नोरिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज, ये डिस्कस करेंगे मैम इसको भी, ये पॉइंट आए. तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट तो यहीं तक ही है, बाकी फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो बीच में भी उसको डिस्कस किया जा सकता है. तो मेन हम इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर हम इसको ट्रीट ही ना करवाएं तो क्या होगा. तो इसमें कई सारी मेडिकल इम्प्लीकेशंस हैं, इसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो स्नोरिंग, या स्नोरिंग से इतना नहीं है जितना मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से है. तो उससे वो प्रॉब्लम्स हो भी सकती हैं, मतलब वो वैसे कैन कॉज मेडिकल प्रॉब्लम्स, और कई प्रॉब्लम्स एग्रेवेट भी हो सकती हैं, और वाइस वर्सा भी है. जैसे अगर मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताऊं, आपका ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड वेट गेन, इससे रिलेटेड अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो वेट गेन ओबेसिटी से रिलेटेड तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ही है, क्योंकि डायनेमिक लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स नॉट अबाउट स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन. नाक के अंदर वेट गेन से इतना फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही आएगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा. वो मेन आएगा आपका डायनेमिक लेवल पे, उसका जो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि नेक की सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगी उसके अंदर में. तो वेट गेन से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो होगा ही होगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अगर इग्नोर कर दिया जाए, उसके सिम्टम्स अगर बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, इन्वेस्टिगेट ना हो, ट्रीटेबल, ट्रीट ही ना करवाया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कैन कॉज वेट गेन, कैन एग्रेवेट हो. अब वो कैसे होता है? बेसिकली इसका जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, सिंपल भाषा में समझाऊं तो, जैसे ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ जाती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और यही एक वजह होती है आपके डायबिटीज़ के एग्रेवेट होने की. अगर आप डायबिटिक हैं तो वो अनकंट्रोल्ड हो सकती है, ऑलरेडी अनकंट्रोल्ड है तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें सर्कुलेटिंग इंसुलिन जो ब्लड में घूम रहा है वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से भी फैट डिपॉजिट बढ़ता है. प्लस आपका ग्रोथ हार्मोन उससे रिलेटेड है, वो डेफिशिएंट हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लाइपोलाइसिस अफेक्ट होता है. तो कई सारी वजह है, प्लस ओवर ईटिंग, एक ये भी एक फैक्टर है इसके अंदर में, कि पेशेंट की ओवर ईटिंग की हैबिट्स होती भी है और वो और बढ़ती भी है, तो उसकी वजह से वेट गेन होता है. तो वेट गेन और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये वाइस वर्सा है, तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगी, एक विशेष साइकिल बन जाएगा इसके अंदर में. तो इसी तरीके से एक दूसरी चीज़ भी है मेडिकल प्रॉब्लम में, अस्थमा. अब देखिए, अस्थमा में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अस्थमा को एग्रेवेट करता है. दिस डजन कॉजेटिव फैक्टर नहीं है ये उसका, लेकिन ये उसको एग्रेवेट करता है, क्योंकि जो हमारे एयर पैसेज हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर हैं, जैसे ब्रोंकाई हैं, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देता है. तो जब हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज होंगे हमारे, तो उसकी वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगी. तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगी तो नॉक्टर्नल अस्थमा, मतलब रात के टाइम पे अस्थमा के सिम्टम्स और एग्रेवेट हो जाएंगे. तो ये चीज़ें तो इस तरीके से भी, कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से आपका अस्थमा हुआ. अब नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई पेशेंट अस्थमेटिक है तो उसमें कुछ परसेंटेज में, वो 13 to 19 या 20% ऐसा एक डाटा है, कि इतने लोगों में एलर्जी साथ में होने के चांसेस होते हैं, सब में नहीं होती है. तो अगर आपको अस्थमा है तो एट अ लेटर पीरियड इन योर लाइफ यू कैन डेफिनेटली डेवलप एलर्जी.
तो एलर्जी होगी तो वो अपर एयरवे को भी अफेक्ट करेगी, तो उसमें नाक में पॉलिप्स भी बनने के चांसेस हैं अगर वो एलर्जी काफ़ी सीवियर है तो उससे फिर ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ेगी, तो एक और लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन बन गई आगे, तो स्टैटिक लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन और एग्रेवेट हो गई। तो इसी तरीके से तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कैन कॉज आस्थमा एंड आस्थमा कैन एग्रेवेट योर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वो होता कई सालों में है लेकिन डेफिनेटली होने के चांसेस होते हैं। और एक क्वेश्चन बीच में आया था रिगार्डिंग हार्ट, डेफिनेटली इसमें देखिए होता क्या है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर्स अफेक्ट होते हैं, सिस्टमिक हाइपरटेंशन बेसिकली हो जाती है पेशेंट को, ये तो पॉजिटिव फैक्टर है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, दिस कॉजेज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन और ये नॉक्टर्नल लेवल पे जो डिपिंग होती है, मतलब रात के टाइम पे जो बीपी थोड़ा सा डिप करना चाहिए तो वो डिप ही नहीं करेगा, तो कंटिन्यूस एलिवेटेड रहेगा वो दिन में भी रात में भी, और कंटिन्यूस एलिवेशन से फिर उसमें लॉन्ग टर्म में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी बनने के चांसेस होते हैं। तो सिर्फ हाइपरटेंशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, आगे जाके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाएगी उसमें, उसके कुछ पार्ट हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, इसमें वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसके अंदर। अब इनके साथ में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ तो उसके साथ फिर आगा आपका अस्थमा भी बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। और इसी तरीके से एक प्रॉब्लम आती है आपकी स्ट्रोक, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, दिस डजंट कॉज स्ट्रोक बट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है इनसे, क्योंकि फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है इसमें। और दूसरी चीज, अगर स्ट्रोक किसी को हो भी गया और उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया साथ में ट्रीट नहीं हुआ डायग्नोज होने के बावजूद भी, तो रिकरिंग स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार स्ट्रोक हुआ उसके बाद सब ठीक रहेगा, तो दोबारा से भी स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक और इशू है इसके अंदर में, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से रिफ्लक्स भी बढ़ जाता है, जैसे पेट से खट्टापन, गले में आना, चेस्ट में हैवीनेस लगना जिसको रेट्रोस्टर्नल बर्निंग कहते हैं, गले में चोकिंग सेंसेशन होना, GERD कहते हैं इसको गर्ड। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कैन कॉज कैन एग्रेवेट GERD, और GERD बढ़ने से आपके अस्थमा के सिम्टम्स भी बढ़ते हैं। तो अगेन ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो एक चीज़ से दूसरी होती है, दूसरी से फिर तीसरी हो जाती है, तो ये सब कुछ होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन आप इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो करेगा ही करेगा। तो इसी तरीके से सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल पे भी फर्क आता है उसका, डिसलिपिडीमिया हो जाता है उसका। तो ये तो रिगार्डिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन होंगे तो पहले वो देख लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डज सीपैप थेरेपी हैव साइड इफेक्ट स्पेशली ऑन पीपल विथ हेल्थ कंडीशंस? हाँ, ये इसमें देखिए है कि अगर आपकी, अब जैसे ये सपोज स्ट्रोक का है, तो अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सीवियर या मॉडरेट ग्रेडिंग का है तो उसमें स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन अगर आपका माइल्ड लेवल है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी सीपैप थेरेपी, मतलब अगर आपने ट्रीटमेंट लिया तो सीपैप तो इनिशियल ट्रीटमेंट चलेगा ही चलेगा, तो सीपैप थेरेपी से आपकी कंडीशन, ओवरऑल फिजिकल कंडीशन तो बेटर होगी ही, डेफिनेटली बेटर होगी, प्लस साथ में आपके रिकरिंग स्ट्रोक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे हाइपरटेंशन है, अब हाइपरटेंशन तो हो गई, तो अगर आपने ट्रीटमेंट लिया तो कम से कम वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे या उसकी आगे उसका अस्थमा एग्रेवेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सीपैप थेरेपी डेफिनेटली हेल्प करती है। स्लीप स्टडी पॉसिबल एट होम, ये तो हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि स्लीप स्टडी को घर पे भी किया जा सकता है, बट दैट इज मोस्टली अनअटेंडेड, और उसमें भी अगर आप टाइप 3 या टाइप 4 में जाएंगे तो वो तो फिर सिर्फ एक स्क्रीनिंग के लिए है, बट आइडियली शुड गो फॉर टाइप 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा मेडिकल प्रॉब्लम्स का हुआ, अब इसके आगे हम ट्रीटमेंट पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें एक ये पूछा गया, व्हाट इज द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्नोरिंग?
देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट अगर दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो सर्जिकल या नॉन सर्जिकल। अब आप नॉन सर्जिकल में उसको मेडिकल कहें या जो भी कहें, तो उसमें वेट रिडक्शन तो डेफिनेटली हेल्प करेगा स्नोरिंग में। तो वेट रिडक्शन पे फोकस करना चाहिए, कितना वेट रिड्यूस होना चाहिए ये तो आपकी हाइट के हिसाब से डिसाइड होगा, तो ये आपके डॉक्टर बताएंगे आपको, तो उसका भी डेफिनेटली रोल है। वो तो पैरेलल चलता ही है, आपका कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो तो भी उसमें वेट रिडक्शन पे तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, अगर वो वन ऑफ द फैक्टर्स हैं, जो ज़्यादातर लोगों में होता भी है। फिर तो जहाँ तक सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। जैसे अब हम एयर पैसेज नाक से शुरू करें, तो अगर नाक के अंदर में कोई इश्यूज आते हैं, नाक में बोन्स में इश्यूज हों, आपके पॉलिप से रिलेटेड हों जो मेडिकली ट्रीटेबल नहीं है, तो फिर उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। साथ में साइनसिस इन्वॉल्व हों तो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, उसकी सर्जरी होती है, उसको फेस कहते हैं, FESS, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये तो स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन के रिगार्डिंग है। और इसी तरीके से अगर आपकी डायनेमिक लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे पैलेट के लेवल पे हो, तो उसमें ये डिपेंड करता है कि वो किस ग्रेडिंग का है, किस लेवल का है। जैसे आपका एंट्रोपोस्टरी ऑब्स्ट्रक्शन है या लेटरल लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। हम लोग ही डिसाइड करेंगे बेसिकली कि उस ऑब्स्ट्रक्शन के लिए क्या करना चाहिए। उसके सबके ट्रीटमेंट अलग अलग है। एंट्रोपोस्टियर लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, लेटरल लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अलग होगा, कंसेंट्रिक होगी तो उसका अलग होगा। तो यही सेम कंसेप्ट टंग के लिए है कि टंग के बेस पे जो पीछे वाला टंग का पार्ट, अब टंग में प्रॉब्लम हर लेवल से हो सकती है। टंग का जो आगे वाला पार्ट है उसको एंटीरियर टू थर्ड टंग कहते हैं, और उसका जो पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर वन थर्ड। अब पोस्टीरियर वन थर्ड में अगर होगा तो उसमें कोई सिर्फ लिम्फोइड टिश्यू से है, जिसको लिंगुअल टॉन्सिल भी कहते हैं, या लिंगुअल थायराइड से है, वो तो एक एक्टोपिक थायराइड टिश्यू होता है वो जीभ के पीछे वाले लेवल पे, तो वो भी सर्जिकली ट्रीटेबल होता है। प्लस साथ में अगर ये दोनों नहीं है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, तो उसमें जीनियोग्लोसल एडवांसमेंट भी होती है। अगर एंटीरियर टू थर्ड में है, कई लोगों की टंग इतनी पूरी वाइड होती है मुंह के अंदर, पूरा स्पेस घेर के रखती है, वो हमें मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन से पता चलता है, जैसे ओपीडी में ही स्क्रीनिंग होती है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। उसकी रेडियो एब्लेशन होती है, चैनलिंग होती है बेसिकली टंग की, तो उससे ट्रीट होता है। तो इसी तरीके से टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल की ज़रूरी नहीं है कि ग्रेड 4 ही हो, ग्रेड 0 हो, तो उससे भी कई बार स्नोरिंग अग्रेवेट होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से एपिग्लोटिस, तो सब लेवल का ट्रीटमेंट अलग अलग है सर्जिकली, तो उसके बाद ही पता चलेगा आपकी इन्वेस्टिगेशंस में क्या निकलेगा। इट इज ट्रू दैट डिप्रेशन इन कॉम इज कॉमन इन पीपल विद स्लीप एपनिया। बिल्कुल है, डिप्रेशन तो होता ही है, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ है आपकी है तो ट्रीटेबल, लेकिन अभी तक पूरा फर्क आपको आया नहीं, ठीक नहीं हुई, या प्रॉब इसको एक ब्रेन फॉग कहते हैं। एक ब्रेन फॉग मतलब आपकी फोकस, आपकी मेमोरी में भी थोड़ा सा फर्क आता है, इम्पेयरमेंट, हल्के से इम्पेयरमेंट, तो एक टर्म उसके लिए यूज होती है, इसको ब्रेन फॉग कहते हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो जब आप अपने काम पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, पूरा दिन थकान जैसा लगेगा, नींद जैसा लगेगा, तो डिप्रेशन तो किसी को भी आ जाएगा। हमने आज इसको कवर किया, बाकी कुछ इसमें रहा हो या उसमें कोई क्वेरीज हो, या बच्चों से रिलेटेड जो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, या उससे आगे कई और भी फैक्टर्स हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के, साइनोसाइटिस से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड, तो वो एक पूरा एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे उन सारी चीज़ों को। कोशिश करेंगे एक अलग थर्ड लेक्चर में इसको कवर करें, बट अभी तक कोई क्वेरीज हो तो आप। थैंक यू।